हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्यापा क्वीन हनी। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा हेयर ग्रोथ हैक जिसको करने के बाद आपके जो हेयर है वो काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे। एंड ये गाइस 100% श्योर है कि इसको यूज़ करने के बाद आपके जो हेयर है वो काफ़ी तेज़ी से बड़े होंगे। आज का जो हेयर ग्रोथ हैक है उसमें हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, ना तो कोई पेड़ या पौधा, कुछ भी हमें नहीं चाहिए। आज का जो होममेड हेयर ग्रोथ टोनर है उसे बनाने के लिए हमें सिर्फ चाहिए एक प्याज का छिलका, जिसे हम लोग कचरा समझकर अपने किचन से बाहर फेंक देते हैं। इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे एक कंटेनर में पानी, उसमें हम लोग डाल देंगे प्याज के कुछ छिलके, और पानी इतना ही लेंगे जितना आपके बालों में आराम से आ जाए, एक्सेस नहीं बनाएंगे। अब हमें इसे बॉयल करना है, और बॉयल इतना करना है कि इसका रंग जो है वो धीरे धीरे डार्क हो जाए। एंड इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इसे आपको बीच बीच में मिलाते रहना है। ये जो हेयर ग्रोथ टोनर है वो 100% वर्किंग है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। आज मैं आपको इसे यूज़ करके नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा आज तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर है वो काफ़ी चेंज हो गया है, धीरे धीरे इसका जो रंग है वो डार्क होते जा रहा है। 2 मिनट के लिए हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका रंग जो है वो और डार्क हो जाएगा, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आप इसे यूज़ करो एंड मुझे कमेंट करके 1 मंथ के बाद बताना कि ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है कि नहीं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है, तो मैं इसका आँच बंद कर दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने के लिए बाहर छोड़ दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ। सो गाइस, पानी ठंडा होने के बाद मैं इसे अनियन पील को अलग कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास घर वाला एलोवेरा है तो आप वो यूज़ करें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकती है। एलोवेरा जेल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एलोवेरा जेल से आपके जो हेयर है वो काफ़ी सॉफ्ट सिल्की नज़र आने लगेंगे। अब मैं इस टोनर में एलोवेरा जेल को डाल दूंगी, और डालने के बाद आपको इसे ऐसे ही नहीं लगाना है। अगर आप घर का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हैं तो आपको याद रखना है कि आपको इसे छलनी की हेल्प से छान लेना है। सो गाइस, एलोवेरा जेल डालने के बाद मैं इसे चम्मच की हेल्प से चला लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसे छलनी की हेल्प से छान लूँगी, जिससे उसका जो ग्रीन पार्टिकल्स है एलोवेरा जेल का वो अच्छे से निकल जाएगा और आपके बालों में इसे फंसेगा नहीं। सो गाइस, हमारा ये टोनर रेडी है, आप इसे यूज़ करिए एंड मुझे 1 मंथ के बाद कमेंट कर बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना।